चार 13, 22 और 31 तारीख को जिनका जन्म होता है ना, वो एक्चुअल में बदलाव लाते हैं। नॉर्मली आप देखोगे ना तो इंटरनेट भरा हुआ है कि 4 तारीख वाले बेचारे बदकिस्मत होते हैं, 8 वाले बदकिस्मत होते हैं। आप, मैं 8 के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। 8 वाले पैसा बड़ा शानदार कमाते हैं और 4 वाले बदलाव लाते हैं। मैंने पीछे भी 4 और 8 का वीडियो बनाया था और प्रैक्टिकली लोगों ने उस चीज को देखा, अनुभव किया, 4 वालों ने रिप्लाई किया, मतलब उसके ऊपर कोई 22-23 लाख व्यूज हैं, मगर मैं मल्टीपल चैनल्स देखूं। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एक्चुअल में हमारे साथ हुआ है। मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं। 4 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप ये देखो, अगर कोई नंबर ऑस्पिशियस नहीं है तो फिर वेदास में या पुराण में उसकी एलैबोरेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे 4 वेद, शिवरात्रि में 4 पैर, दिन के 8 पैरों में मेन 4 पैर की पूजा जिसको हम कहते हैं, चौदस, चौमुखा दिया, चौराहा, कितनी चीजों में 4 शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, 4 कॉर्नर्स, 4 युग। अगर ये इतना ऑस्पिशियस ना होता 4 नंबर, तो इसको क्यों डाला जाता? हम बात करते हैं 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु क्या है? राहु गर्दन है। निकला कैसे? अगर आप उसकी पूरी पूरी देखो कि उसको काटा गया, गर्दन कट गई, ब्रेन ऊपर का पोर्शन अलग हो गया, नीचे का पोर्शन केतु बन गया, तो एक राहु एक ऐसा नंबर है, 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके पास सेंसेस तो हैं। हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों काम करती हैं। तो राहु के पास क्या है? राहु के पास कान है, 4 नंबर के पास। उसके पास जीवा है, उस पर सूंघने की शक्ति है। उसके पास स्किन है जिसपे हवा लगती है, स्पर्श लगता है, वो हवा है। उसके पास उसकी इंद्रियों में इतनी पावर आ रही है, पर पावर निकालने की जगह नहीं, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। तो वो असली पॉलिटिशियन है जिसका ये चलता है, और वो खुराफाती है, क्योंकि जिसका इसके पास सारे द्वार खुले हैं, एनर्जी अबंडेंट आ रही है, वो एनर्जी को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव मान लेते हैं उसको कि जी राहु है, डिस्टर्ब होगा। उसके पास आइडियाज बड़े जबरदस्त हैं। तो 4 नंबर वाला व्यक्ति जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ है, अगर वो व्यक्ति अपने नेम को सिंक्रोनाइज कर लें या ब्रेसलेट को डाल लें, जैसे वो ब्रांडेड जो का ब्लैक अगेट डाल सकते हैं, ब्लैक ब्रांडेड अगेट उनके लिए काम कर सकता है। रुद्राक्ष में 8 मुखी रुद्राक्ष डाल लें वो व्यक्ति। यंत्रास में अगर रूटीन में वो व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार विधि यंत्र उनके लिए अच्छा काम करेगा, श्री यंत्र अच्छा काम करेगा, बिकॉज ये दोनों व्यापार और लक्ष्मी मैनिफेस्टेशन के भी यंत्रास होते हैं कि हमने जो जिंदगी में कार्य किया उसका रिजल्ट आना चाहिए। इन्हीं यंत्रास को ले ले वो व्यक्ति। चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर ले रूटीन में। अगर ये 4-5 रेमेडीज करता है, जो वो सोच रहा है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता। अगर वो नहीं अगर वो ऐसी रेमेडीज नहीं कर पाता, तब उसके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो चीजों का रिजल्ट नहीं ले पाता। दूसरी चीज, आपका 4, 12, 23 का मान लो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट क्या नहीं आ रहा उसके ऊपर चलना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो लाइफ में और आपका जन्म इन तारीख का है, तो आपको इमीडिएटली डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि इसके अंदर आइडियाज तो अबंडेंट है, जील है आइडियाज की, पर ये चैनलाइज आइडियाज नहीं है। दी मोमेंट आप रेमेडीज करते हो तो आपको चैनलाइज करने में हेल्प करती है, पर ये अल्टीमेट रिजल्ट देता है। जितने पॉलिटिशियंस होते हैं वो राहु के अंडर आते हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सूर्य के अंडर आते हैं। कई लोग यह कहते हैं जी पॉलिटिशियन सूर्य के अंडर आते हैं, नहीं आते। पॉलिटिशियन का काम होता है आइडियाज, आइडियाज को मैनिफेस्टेशन पॉलिटिशियन का काम है, सरकारी ऑफिसर्स का काम नहीं है वो। तो इसलिए ये एक जिन व्यक्तियों का जन्म हो, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। आप डिसिप्लिन बनिए, फोकस बनिए, और साथ में ये 2-3 चीजें, आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहनिए या ब्लैक बैंडेड गेट पहनिए, चिड़ियों को दाना डालिए, आप लाइफ में चेंज देख लेना। जितने मेजर इवेंट्स दुनिया में होते हैं, जहां पे कुछ मेजर बदलाव होगा वो 4 और 8 में होगा, और किसी में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सारी दुनिया में चेक कर लो, वो चाहे 26/11 हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, मैं किसी का इवेंट का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो डिजास्टर्स इवेंट है चाहे वो अच्छे इवेंट है, क्योंकि जो डिजास्टर्स इवेंट होता है वो भी कुछ अच्छा आपको देखे जाता है, क्योंकि एक का बुरा जरूर होता है पर हजारों का भला हो जाता है, उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी, उसके बगैर हो ही नहीं सकती, ये देखने वाली बात है। तो आप आज के बाद एक ट्राई करिए, आपको कोई क्लाइंट आता है 4, 13, 22, 31 ये 4 रेमेडीज उसको करवाइए, और उसको कहिए 1 महीना ऑब्जर्व करें। एक और चीज करवा सकते हैं, उसको कहिए अपने आइडियाज को लिखना शुरू कर दे, क्योंकि उसके पास 4 नंबर के पास क्या है, 4 नंबर के पास बॉडी नहीं है। इफ यू स्टार्ट राइटिंग, उस आइडिया को फ्लो वहां से फ्लश करता रहे दिमाग से, लिखना शुरू कर दे उसको, तब भी रिजल्ट आ जाएगा। एक वो गणेश रुद्राक्ष भी डाल सकता है, बिकॉज गणेश जी सिंबॉलिकली, जिसको रूपक कहेंगे, मेटाफोर कहेंगे, तो
तो गणेश जी रिप्रेजेंट भी उसको करते हैं, गर्दन को, तो राहु को कंट्रोल करने का काम करेगा और अल्टीमेट रिजल्ट देगा। और सबसे ज्यादा अगर हम खतरनाक कहेंगे, जो अच्छे रिजल्ट देगा, भयंकर तरीके, चार नंबर ही दे सकता, और कोई नंबर नहीं दे सकता, बाकी तो सारे लोलू पोलू छोटे मोटे नंबर है। और अगर पैसा देगा तो 8 नंबर देगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।